कल से जनपद के चारों विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। - सोनभद्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 10 फरवरी से आरंभ होगा। इसके लिए प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में चारों विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग नामांकन स्थलों को चिन्हित कर बैरिकेडिंग कराई जा रही है। कलेक्ट्रेट जाने वाले मार्ग पर भी बैरियर लगाया जा रहा है ताकि बेवजह अंदर जाने वालों को रोका जा सके। डीएम ने तैयारियों का जायजा लेते हुए संबंधितों को शीघ्र प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। जिले की 4 सीटों के लिए मतदान अंतिम चरण में 7 मार्च को होगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर 10 फरवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाएगी, जबकि 18 फरवरी का नामांकन की आखिरी तारीख होगी। चारों सीटों के लिए नामांकन कलेक्ट्रेट परिसर में ही होगा। इसके लिए अलग अलग कक्ष निर्धारित किए गए हैं। कलेक्ट्रेट के अंदर की पूरी व्यवस्था एडीएम वित्त राकेश सिंह की निगरानी में रहेगी। हाईवे से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गेट तक, वहां से बैरियर तक के लिए अलग अलग मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। सकुशल नामांकन प्रक्रिया पूरा कराने के लिए पूरे कलेक्ट्रेट परिसर की बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग के माध्यम से ही अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन स्थल तक जाने का मार्ग भी दिया गया है ताकि एक साथ भीड़ न लग सके। वही डीएम टी के शेबू ने बताया कि चारों विधानसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी और 17 फरवरी तक चलेगी। वहीं 18 तारीख स्क्रूटनी होगी। घोरावल विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन डीएम के न्यायालय कक्ष में होगा। सदर विधानसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया एडीएम न्यायिक और ओबरा सीट के लिए उम्मीदवार एडीएम वित्त के न्यायालय कक्ष में नामांकन पत्र जमा करेंगे। दुद्धी विधानसभा सीट में नामांकन की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट स्थित वन बंदोबस्त अधिकारी के न्यायालय कक्ष में होगी। संबंधित तहसील के एसडीएम को उस विधानसभा क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर नामित किया गया है। इसके अलावा कानून व्यवस्था के पालन के लिए मजिस्ट्रेट भी नामित किए गए हैं। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। कल ही जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की गई, उनको जो है डूज एंड डोंट्स बताया गया और माननीय आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों का उनको जो है प्रतिलिपि भी दी गई और उनको विस्तृत रूप से उनको समझाया भी गया और क्या चीज़ अनुमन्य है क्या नहीं। और जुलूस बिल्कुल अनुमन्य नहीं है और जो जितने व्यक्ति जो है आपके चाहे रिकग्नाइज पार्टी और अनरिकग्नाइज पार्टीज को लाने हैं उसको उनको भी बता दिया गया, उनको पता भी है। और उसके मुताबिक जो है यहाँ पे 4 विधानसभाओं का जो है नामांकन के लिए जो है पूरी तैयारी कर ली गई है और साथ में बैरिकेडिंग प्लस कैमरास और बाकी ड्यूटी डिटेलिंग सब कर ली गई है और हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं कल के नामांकन के लिए। वो 17 तारीख तक नामांकन चलेगा और जो है 18 तारीख को स्क्रूटनी होगी।